29 जुलाई को महिला कांग्रेस दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। देश के कोने कोने से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। हिमाचल प्रदेश से भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल के नेतृत्व में हिमाचल महिला कांग्रेस का यह दल 29 जुलाई को होने वाले आंदोलन में हिस्सा लेगा। प्रदेश से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की महिलाएं जो है 29 तारीख को जंतर मंतर पर जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। और हमारे मेन तीन मुद्दे रहेंगे, एक महिला आरक्षण, जल्दी से 33% महिला आरक्षण जो बिल इन्होंने पास किया है उसको लागू किया जाए। अभी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पर इसको जल्दी लागू किया जाए तो वहाँ की बहनों को इसका लाभ मिल सके। और दूसरा हमारा मेन मुद्दा है महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी। महंगाई का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पर पड़ता है तो वो महिलाएं और बच्चों पे पड़ता है। तो हमारी मांग रहेगी कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के खाते में, जैसे हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि महालक्ष्मी जो योजना है उसके तहत हर महिला, गरीब महिला के खाते में सालाना 1,00,000 रुपए दिए जाएं, या सालाना नहीं देना चाहते हैं तो हर महीने 8,500 रुपए उनके खाते में दिए जाएं, ताकि महिलाओं को किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े और वो अपना घर जो है अच्छी तरह चला सके। और तीसरा हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो है सामाजिक सुरक्षा। पूरे देश भर में जिस तरह से महिलाओं के प्रति हिंसक वातावरण बन रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, उन सब को लेकर हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा जब केस घटना हुई थी उस समय इन्होंने महिला इश्यू को लेकर इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया था। ये महिलाओं के बहुत हितेशी बनने का दावा करते रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है जब से ये सत्ता में आए हैं 10 साल इन्होंने इनको सरकार चलाने का मौका दिया लोगों ने, लेकिन महिलाओं के इशू पे, चाहे वो महिला आरक्षण की बात है उसको लागू करने की बात है, चाहे वो आर्थिक सशक्तिकरण की बात है या महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने की बात है, कहीं पर भी ये इनकी गंभीरता दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग इन तीन मुख्य मांगों को लेकर जंतर मंतर पर 29 तारीख को पूरे देश भर की महिलाएं व्यापक धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार से मांग करेंगे कि महिला जो आधी आबादी है महिलाओं की, उनको उनका जीवन यापन करने के लिए, उनको एक अच्छा वातावरण देने के लिए, अच्छा काम करने के लिए इन सारी चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। यही इसीलिए हम लोग सारे वहां पर जा रहे हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।